हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि केंद्र सरकार ने आपका सैलरी बढ़ा दिया है। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी अगर आप लोग मजदूर हैं या उससे ऊपर ऑपरेटर हैं या उसके ऊपर इंजीनियर हैं, या मतलब आप लोग कुछ भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इस बार केंद्र सरकार ने उन लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और उन लोगों का सैलरी बढ़ा दिया है, जिसको देखते और केंद्र सरकार ने भी जो अपना आपका सैलरी बढ़ाया है उसको देखते देखते राज्य सरकार ने भी आपका सैलरी बढ़ा दिया है। यानी अगर दोनों का टोटल किया जाए किसने कितना बढ़ाया है, अगर आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप लोगों का सैलरी बढ़ा दिया गया है अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपका पहले जो बेसिक रहता था वह 881 रुपया जैसे था, और आप लोग का सैलरी जब बढ़ाया गया है तो आपका जो बेसिक हो गया है वह 791 रुपया हो गया है। यानी अगर आपको अभी सैलरी आएगा और यह जो बढ़ा हुआ वाला पैसा है वह 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है पैसा वह 1 अक्टूबर से आपके सैलरी में लागू कर दिया जाएगा, और जब आपका ये नवंबर का पेमेंट आएगा तो वह बढ़ के आएगा, यानी जितना गवर्नमेंट ने बढ़ाया है उतना ही बढ़ के आएगा। और आप लोग को तो खुशी ही रहना चाहिए क्योंकि आप लोग का गवर्नमेंट ने बहुत पेमेंट बढ़ा दिया, ताकि इस महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है और हम लोग गवर्नमेंट का आभार करते हैं। और यही है कि गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बढ़ाया है उसी प्रकार से गवर्नमेंट को यह भी छानबीन करना चाहिए कि आपका पेमेंट, आपका कॉन्ट्रेक्टर यानी ठेकेदार आपको सैलरी उतना देता है कि नहीं, यह भी एक तो संगठन बैठाना ही चाहिए ताकि सब कंपनियों में पता लग सके कि जितना सैलरी गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाया गया है और उतना सैलरी आपको मिलता है कि नहीं। बाकी जो भी कंपनियां ऐसा नहीं करती, सैलरी बढ़ा के नहीं देती, उन सब कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, ताकि ऐसा गवर्नमेंट अगर 4-5 कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दे फिर सब कंपनी सुधर जाएगी और वह जितना गवर्नमेंट का बढ़ा हुआ वाला पैसा है वह सब बढ़ के मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कितना कौन बढ़ाया है, गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया है और राज्य सरकार ने कितना बढ़ाया है, और अंतर दोनों में क्या निकलता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि आप लोग का सैलरी कितना बढ़ा है और आपका यह पेमेंट है कब से कितना बढ़ के आने वाला है। अगर आपका ठेकेदार या कॉन्ट्रेक्टर आपका पैसा बढ़ाकर नहीं दे रहा है फिर आप लोग क्या कहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, आपका शिकायत गोपनीय रखा जाएगा। तो इस वीडियो में यही सब बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक पेपर में निकाला गया है और आप लोग देख भी सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पारिश्रमिक में अंतर, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने काम करने वाले मजदूरों का सैलरी कितना कितना बढ़ाया है। तो यहाँ पर मजदूरों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, यानी ABCD जो इसमें है, जो ए में आता है वह अकुशल, यानी मतलब जो पढ़े लिखे आदमी नहीं है वह खाली मजदूरी करके ही काम चलाते हैं तो वह अकुशल में आते हैं, और जो सेकंड है वह अर्धकुशल, यानी जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वह अर्धकुशल में आते हैं, और जो कुशल है मतलब जो पढ़ाई किए हैं मतलब 10वीं 12वीं तक पढ़ाई किए हैं वह कुशल में आते हैं, और जो मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वह अति कुशल में आते हैं। तो यही जो चारों श्रेणी है सबका अलग अलग पेमेंट बढ़ाया गया है, और आप लोग यह वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं वह भी बता दीजिए, तो उस स्टेट का भी यानी उस प्रदेश का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उस प्रदेश का श्रमिकों का कितना बढ़ाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र राज्य जो राज्य सरकार है अकुशल का बढ़ाया है 365 रुपया, और केंद्र सरकार ने बढ़ाया है 427 रुपया, यानी दोनों में अंतर देखा जाए तो दोनों का अंतर मिलाकर 62 रुपया हो जा रहा है। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो 791 रुपया जैसा आपका पड़ जा रहा है, यानी दोनों मिलाकर आपका हो जा रहा है 791-92 जैसा आपका पर डे, यानी प्रतिदिन का आपको इतना कंपनी को देना ही पड़ेगा अगर आपसे कंपनी काम करवाता है तो। और जो अर्धकुशल हैं तो राज्य सरकार ने उनका सैलरी 390 रुपया बढ़ाया है,
और केंद्र सरकार ने उनका सैलरी 500 रुपया बढ़ाया है। यानी अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो 110 रुपया जैसा अंतर दिखाई दे रहा है। तो कंपनी वालों को आपको बढ़ाकर इतना पैसा देना पड़ेगा। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो 5×3 = 8 और 90 मतलब 890 ये हुआ। तो अगर आपको देखा जाए जो अर्ध कुशल वाले हैं तो उनका पर डे के हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो 890 रुपया उनका बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलाकर 890 रुपया जो अर्ध कुशल में आ रहे हैं उनका बढ़ाया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और जो कुशल वर्ग में आते हैं उनका राज्य सरकार ने बढ़ाया है 420 रुपया और केंद्र सरकार ने बढ़ाया है 603 रुपया। तो अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो 183 रुपया जैसा अंतर यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6×4=10 यानी 1023 रुपया मतलब 1023 रुपया जैसा दोनों का मिलाकर बढ़ाया गया है। तो अगर आप लोग कुशल वर्ग में आ रहे हैं तो आपका सैलरी बढ़ के 1023 रुपया पर डे हो गया है, जो कि पहले कम था, पहले काफ़ी ही कम था। और जो अति कुशल में आते हैं तो उनका देख सकते हैं तो राज्य सरकार ने उनका 450 रुपया बढ़ाया है और केंद्र सरकार ने 707 रुपया बढ़ाया है। अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो 257 रुपया अंतर निकल के आ रहा है। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो 7×10=11 मतलब 1057 रुपया उनका बढ़ाया गया है जो अति कुशल में आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले में भी देख सकते हैं कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल का यहाँ पर राज्य सरकार ने कितना पेमेंट बढ़ाया है और केंद्र सरकार ने कितना पेमेंट बढ़ाया है। और यहाँ पर अंतर भी देख सकते हैं कितना अंतर हुआ है पिछले के हिसाब से। और अगर आपको यहाँ पर दोनों का कैलकुलेशन करना होगा, मतलब राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, जब दोनों का आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका निकल के जो आ रहा है जोड़ने पर, तो वही पर डे के हिसाब से कंपनी को पे करना पड़ेगा आपको अगर आपसे वह काम कराती है। तो पहले तो काफ़ी कम था आपका सैलरी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने आप लोगों को के ऊपर ध्यान दिया है तो आप लोग का सैलरी बढ़ाया है। तो आप लोग का सैलरी अभी बढ़ गया है। और हाँ, ये आपका जो बढ़ाया हुआ सैलरी है या 1 अक्टूबर से विधेयक लागू हो जाएगा और आपका जो अगला पेमेंट आने वाला है वह आपका पेमेंट बढ़ के आएगा इसी हिसाब से जितना गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो अगर आपका ठेकेदार आपका सैलरी बढ़ाकर नहीं देता है तो आप लोग लेबर ऑफिस पे जाकर उसका कंप्लेन ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लेन करना चाहते हैं कि सर जो मेरा सैलरी बढ़ाया गया है वह अभी मेरा ठेकेदार नहीं दे रहा है, तो आप लोग लेबर ऑफिस का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर आप लोग ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, अभी अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो आप लोग के साथ अत्याचार होता रहेगा। इसके लिए आप लोग जरूर यह कदम उठाइए। अगर आपका कंपनी वाला आपका सैलरी बढ़ाकर नहीं दे रहा है तो आप लोग कंप्लेन जरूर कीजिए। इससे इस पर आपका गवर्नमेंट भी साथ देगी कि मैंने इतना बढ़ाया है क्यों नहीं उसको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट भी आपका साथ देगी इसके लिए। अगर आपका पेमेंट कम आ रहा है और आपका पेमेंट बढ़ाकर आपका कंपनी वाला या ठेकेदार नहीं दे रहा है तो आप लोग कंप्लेन जरूर करिएगा। और कंपनी में भी अक्सर लेबर ऑफिसर आते रहते हैं तो वह लोग भी अगर पूछते हैं आपसे कि आपका सैलरी सही मिल रहा है कि नहीं, तो आप लोग उसको सही सही आप लोग जवाब दीजिए कि सर मेरा सैलरी इतना ही मिल रहा है। तो आपको बताएगा कि आप लोगों का सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा कितना बढ़ाया गया है। तो अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं ही कंप्लेन करूंगा सबका। मैं आप लोग के साथ हूं। यह मेरा चैनल में जितने भी परिवार मेरे जुड़े हैं वह आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट में बोलिए, सर मेरा सैलरी इतना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कि आपका सैलरी अभी भी आपका कंपनी वाला नहीं बढ़ाया है। तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं इसका कंप्लेन जो होता है मैं ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को आपका अधिकार मिल सके और आपका जो बढ़ा हुआ वाला पेमेंट है वह भी मिल सके ताकि आप लोग अच्छा ज़िंदगी अपना बिता सकें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बहुत आपको स्कीम देते हैं पर यह स्कीम
मिल नहीं पाता है सबको, तो अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तभी आप लोग के साथ यह सब हो पाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी पता चले कि उन लोगों का पेमेंट कितना बढ़ाया है गवर्नमेंट ने और उन लोगों का पेमेंट अभी आ रहा है कि नहीं। तो अगले महीने से अगर पेमेंट जिसका जिसका बढ़ के आ रहा है वह लोग भी बता देना कमेंट में, और मैं भी अगला पेमेंट जैसे ही मेरे दोस्त का आता है, वह भी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है, तो उसका जैसे ही आता है मैं उसका सैलरी स्लिप लेकर एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग को भी पता लग सके कि उन लोगों का पेमेंट कितना बढ़ाया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।